दिल शिकस्ता, दिल शिकस्तगी, दिल शिगाफ, दिल शुदा, दिल साज, दिल सितां, दिल सितानी, दिल सोख्ता, दिल सोज और दिल सोजी। इन शब्दों के बारे में बताऊंगा। मैं मोइन शमसी हूं, ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू के दिल वाले 111 शब्दों की सीरीज की 8वीं मुलाकात है ये। दिल शिकस्ता, दिल शिकस्ता का मतलब है वो व्यक्ति जिसका दिल टूट गया हो, यानी कि जो दुखी हो, दुखित, यानी कि पस्त हौसला, यानी कि वो व्यक्ति जिसको हतोत्साहित कर दिया गया हो, दिल शिकस्ता कहलाता है। इसी से बना दिल शिकस्तगी। दिल शिकस्तगी का वही मतलब है जो पिछली मुलाकात में मैंने दिल शिकनी का बताया था। दिल शिकनी का मतलब है दिल तोड़ना, रंज पहुंचाना, दिल को दुख देना, हिम्मत तोड़ना। दिल शिकनी और दिल शिकस्तगी। अगला शब्द है दिल शिगाफ। दिल शिगाफ का मतलब है हृदय विदारक, यानी कि दिल को चीर देने वाला। बड़ा ही भैया ये दर्द भरा शब्द है, दिल शिगाफ। अगला शब्द है दिल शुदा। दिल शुदा का मतलब है वो व्यक्ति जिसका दिल खो गया हो। भैया दिल वाले शब्दों में प्रेमी का बड़ा जिक्र हो रहा है, यानी कि आशिक का। आशिक को दिल शुदा भी कहते हैं, दिल शुदा। अगला शब्द दिल साज। दिल साज का मतलब है खुश, यानी कि प्रसन्न, यानी कि हर्षित, यानी कि आनंदित, दिल साज। अगला शब्द है दिल सितां। दिल सितां का मतलब है दिल रुबा। और दिल रुबा का क्या मतलब है? पिछली मुलाकात में बता दिया था भैया, पिछली मुलाकातें देख लो, शॉर्ट में बता रहा हूँ। दिल रुबा का मतलब बताया था मैंने, दिल को उड़ा ले जाने वाला, दिल को उचक कर ले जाने वाला, यानी कि माशूक। और ये भी बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र, एक बाजा भी होता है दिल रुबा। तो वही अर्थ दिल सितां का भी है। अगला शब्द है दिल सितानी। दिल सितानी का वही अर्थ है जो दिल रुबाई का है। और दिल रुबाई का अर्थ भी बता चुका हूँ भाई, यानी कि माशूकियत, यानी कि नायिकापन और नाजोअंदाज, हाव भाव, दिल रुबाई और दिल सितानी। अगला शब्द दिल सोख्ता। दिल सोख्ता का मतलब है वो व्यक्ति जिसका दिल जला हुआ हो, यानी कि दिल जला। दिल सोख्ता, दिल जला और दग्ध हृदय, एक ही बात है। अगला शब्द दिल सोज। दिल सोज का मतलब है हमदर्दी जताने वाला, यानी कि हमदर्द। हिंदी में कहूँ तो सहानुभूति का प्रदर्शन करने वाला, दिल सोज। इसी से बना दिल सोजी। दिल सोजी का मतलब है हमदर्दी, यानी कि सहानुभूति। दिल सोजी नहीं यार, दिल सोजी, जी जी जी। और भी शब्द हैं दिल वाले, भरे पड़े हैं भैया अभी तो। अगली मुलाकात में बताऊंगा उन शब्दों के बारे में। तो अब तक 8 मुलाकातें हो गई इस सीरीज की, 80 से ज्यादा शब्दों के बारे में आप जान चुके हैं। अगली मुलाकात में मिलता हूँ। सलाम हिंदुस्तान।